तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये YouTube का सेटअप स्टूडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों। ये दोस्तों आज ही मैंने नया सेटअप जो है रेडी किया है। आज के बाद दोस्तों आप लोगों को जो भी वीडियो मिलेगा मेरा इसी स्टूडियो के जगह पे मिलेगा। मैं इसी जगह पर रोज जो है बैठ के मैं आप वीडियो बनाया करूँगा और आप लोगों को दिखाया करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप ये जो देख रहे हैं ये मेरा लैपटॉप है दोस्तों। यहाँ पे जो है मेरा टेबल में लैपटॉप रखा हुआ रहेगा और लैपटॉप से दोस्तों यहां से जो है लैपटॉप और उसके बाद दोस्तों आगे मैंने जो है अभी स्टूडियो का फुल रिव्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टूडियो में मेरा माइक कौन सा यूज़ करता हूं, लाइट कौन सा यूज़ करता हूं और ट्रैपोड कौन सा यूज़ करता हूं। तो ये टोटल जो है रिव्यू मेरे स्टूडियो का आज मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि और उसके बाद मैं वीडियो शूटआउट जो है कैसे करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को जो अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और स्टूडियो सेटअप मेरा अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी टाइप का वीडियो जो है दोस्तों मैं अब आज के बाद जो रेगुलर इस स्टूडियो में बनाया करूँगा और आप लोग को जो है दिखाया करूँगा। तो दोस्तों स्टूडियो का चलिए रिव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है मेरा YouTube का सेटअप जो है नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो है टेबल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ट्रैपोड दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है और लाइट का लाइट मैंने जो कैसे बनाया अपने घर पे ही बनाया ये लाइट वाला फैसिलिटी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड भी लाइट का मैंने अपने खुद से बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुल जो है यहाँ पे ये लाइट का स्टैंड दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है ये लाइट का स्टैंड भी मैंने जो है घर पे ही बनाया है। ये ट्रैपोड जो है मैंने सिर्फ परचेज किया है और टेबल भी दोस्तों वो कंप्यूटर का टेबल है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मेरा लैपटॉप है, बहुत पुराना लैपटॉप है। इसको जो है मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहा था बट जो है अब यूज़ करूँगा वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो शूटआउट के दौरान में। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं ट्रैपोड में यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट स्टैंड है ये लाइट स्टैंड दोस्तों ये स्टैंड भी दोस्तों यहाँ पे माइक जो पहले माइक का स्टैंड जो आता है वो वही वाला स्टैंड है। यहाँ पे सिर्फ जो है ये स्टैंड का जो है लोहा मैं यूज़ किया हूँ, उसके बाद ये मार्केट से जो है परचेज करके यहाँ पर जो है पारा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि पारा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है इसको सेट कर दिया है और लाइट को दोस्तों इस हिसाब से आप अगर स्टूडियो में आप सेट करना चाहते हैं तो इस हिसाब से सेट कर दें ताकि आपका जो है आप जब बैठिएगा तो उसके पीछे जो है परछाई नज़र ना आए। इसलिए दोस्तों आपको जो है जब भी आप लाइट लगाए कैमरा के पीछे तो एकदम सेंटर में लगाए, बीचों बीच में लगाए ताकि उसका जो है लाइट परछाई आपको इधर उधर दिखाई ना दे। तो दोस्तों ये सेटअप जो है बनाया गया है और आज ही मैंने इस सेटअप को रेडी किया है। और उसके बाद दोस्तों ये सेटअप आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसी सेटअप में जो है आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पे।